हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई और आज हम जश्न बहार मनाने वाले हैं, लेकिन थोड़े ट्विस्ट के मैड एंगल्स के साथ। जैसे कि रीति रिवाजों के हिसाब से डैड कम्स टू ड्रॉप द ब्राइड, बट एक ट्विस्ट है, शादी हुई भी नहीं और पैंट उतर गई, वो भी डैडी की। दोस्तों, एक था उल्टा प्रदेश और उस प्रदेश के उल्टे गाँव में किसी बालक की शादी हो रही थी कि उसकी एक्स को खबर हुई और उसकी एक्स उसके कुर्सी पे आके बैठ गई। अब इसके बाद हुआ यूं कि एक्स को चाहिए दगाबाजी का बदला, तो इन मजनू की एक्स लैला ने करण जूलियट के सामने मजनू को किस कर दिया, लेकिन इससे मजनू जी को कोई आपत्ति नहीं हुई। देखो तो इस मुस्कान की चमकान को, और मजनू छोड़ो, जूलियट को भी नहीं हुई, शादी हो गई। मतलब समझ गए ना, आज के वीडियो में जबरदस्त तोड़फोड़ होने वाली है। तो चलो, अपनी वेडिंग प्लान करने से पहले ये वीडियो देख लो, फनीएस्ट मैरिज मोमेंट्स पार्ट 2। नंबर 1। फ्रेंड्स, अगर आपकी शादी को भी जेसीबी स्पॉन्सर करे और शादी में पूरा गाँव स्वागत करने के लिए शामिल हो, तो आपका छोड़ो, आपकी जोरू का क्या रिएक्शन होगा। भाई लोग, जब जेसीबी के मीम्स मशहूर थे, तब खुदाई के अलावा जेसीबी लोगों की शादियां भी करवा रही थी। और अब इस प्यारे से इल्ले पो कपल को ही देख लीजिए, आय हाय, सो क्यूट, किसी गली की डाइन की नजर ना लगे। नंबर 2। फ्रेंड्स, ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि साली बनी घरवाली, बट आंखों में गंगा जल डालकर अब ये देख लो, शादी से पहले सगाई होती है जहां आंखें लड़ती हैं, फिर तिलक होता है जहां मन और दिल मचलते हैं, और आखिर में शादी होती है जहां जूता चुराई के दौरान दिल भी चुरा लिया जाता है, और आखिर में वरमाला के टाइम ये भाई साहब ने साली के साथ घरवाली जैसा सलूक कर ही दिया। मतलब स्टोरी में ऐसा ट्विस्ट कि तीर निशाने पे नहीं, बट जहाँ पे लगा 100 पॉइंट्स मिले। अब तक ये साली से इश्क लड़ा रहे थे और साली भी जीजा जी करके दिल की घंटी बजा रही थी, तो अब जहाँ दिल वही घरवाली। जीजू जी से डायरेक्ट अजीज सुनते हो, और जयमाला साली के गले में डालने के बाद इस दूल्हे का एक्सप्रेशन तो देखो, लगता है जानबूझकर ऐसा किया है इस ठरकी ने। नंबर 3। फ्रेंड्स, एक होते हैं बदनसीब, दूसरे होते हैं गधे, और तीसरे होते हैं पोपटलाल जैसे, जिनकी शादी नहीं होती, लेकिन यहाँ जिसकी शादी हो रही है उसके लिए शादी की अहमियत ही नहीं है। अब इसे ही देख लो, वाह क्या थ्रो किया है, तुझे तो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, पक्का 2-4 लौंडियां जीत जाता और कौरव भाई सेना तैयार कर देता, वो भी 100-100 के 10 जोड़े। नंबर 4। फ्रेंड्स, अब आप ही बताओ कि शादी के दौरान आप बचपन के झगड़े को याद करोगे क्या? नहीं ना, बट ये कपल गोल से ज्यादा आइचा गवात, बचपन में तूने मेरे भैंस को अंडा मारा था ना, उसका बदला मैं अभी लूंगी, कर रहे हैं, सो मैच्योर ना। इसे देखने के बाद विश्वास नाम की चिड़िया ने अपने ही पंख काट लिए और मछली बनकर जल परियों के साथ गोटी खेलने लगी। मतलब ऐसा केक लगा के भागी ये कि बस दूल्हे की सनक गई, और ये केक फेंक के मारा, भाई शादी से पहले ही डिवोर्स हो गया दोनों का। नंबर 5। फ्रेंड्स, आपके अंदर कॉलेज का कीड़ा कब तक जिंदा रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा 20 या 21 साल तक, लेकिन जब ये कीड़ा सुलेमानी होता है तो कुछ ऐसा जोश में होश खोकर लोगों को हंसी का कीड़ा कटवा देता है। वरमाला के टाइम वाना भी मियां बीवी ने एक दूसरे को देखा और वरमाला के अंदर छुपे सुलेमानी कीड़े को भी धर्म पत्नी जी ने चप्पलों के हार की तरह वरमाला फेंका। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को। और जब खुद की बारी आई तो अंदर का कीड़ा मचल गया, और बिना उम्र, स्टेज और बैलेंस का लिहाज करते हुए इन्होंने सीधा ग्रेविटी से शादी कर ली। नंबर 6। ध्यान से देखो और सीखो कि शादी में क्यों खर्चा किया जाता है, वरना आपका भी हाल कुछ इस तरह होगा। फ्रेंड्स, पोपटलाल जैसी शक्ल और नसीब लेकर जब कोई कंजूस आदमी इस धरती पे दूल्हा बनकर कदम रखता है ना, तब धरती की सौतेली चाची की मौसी की अनहोली काव के गोबर के कीड़ों की अम्मी जान के फोर तब्बू की पांचवी कजिन के 7th होमोसेक्सुअल इंसान यानी कि ग्रेविटी उसे अपने पास बार बार हर गलती पे गले से लगाती रहती है। एडिटर जी, जरा इनकी कंजूसी को लूप में चलाएं और मैयत का गाना बजाएं। नंबर 7। फ्रेंड्स, एक काफी क्यूट लेकिन शादी के मंडप से भागी हुई कुतिया की वीडियो। अरे, मैं गाली नहीं दे रहा, बल्कि जैसा कहा है वैसा ही हुआ है, आप खुद ही देख लो। माय बाबू हबी एंड माय वाइफ इज छबी, ये डॉगी वर्ल्ड कपल्स कितने क्यूट है ना। बट जैसे ही इस पक को वोडाफोन का सिग्नल मिला, वो अपने बचपन के 1001 शगुन के एक्स से बात करने भाग गई। एलेक्सा प्ले। दुनिया में कितना गम है। नंबर 8। फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा क्यों दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। दोस्तों, इतना मुस्कुरा रहे हैं ये कि इनके ऊपर से एक गाने की पेशकी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो,
गम तो दिखेगा इनकी मुस्कान की गुफाओं में। दिखा क्या? वीडियो को फिर से रिवाइंड करता हूँ। दिखा कैसे इन सज्जन उर्फ खानदानी चूहे के दांत ही कुतर कुतर के टूट गए, और वो भी शादी के दिन ही। अब किसी नहीं मिलेगी इसको। इनकी बीबी जान सोच रही होंगी, काश किसी डेंटिस्ट को पटा ली होती तो। ओह एक सेकंड, ये तो खुद ही एक डेंटिस्ट है। जी हाँ, चोर बाजार शॉप नंबर 420 पे इनकी क्लिनिक है। रूट कैनल करवाना होगा तो कॉन्टेक्ट 8282101010। नंबर 9, फ्रेंड शादी के दिन बारातियों के सामने इज्जत कैसी उतरती है, अगर ये नहीं देखा तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। बेचारी ब्राइट वहाँ NH11 खुली वन वे सड़क पे 20 किलो का मेकअप पहनकर इनका वेट कर रही है, और ये ग्रूम कचरे के डब्बे के ऊपर चढ़कर अपने दोस्तों के साथ मटर कश्ती कर रहे हैं। और ये क्या, ब्राइड ने पुकारा और ये सीधा कचरा डब्बे में गिरे। नाउ ग्रूम में किस द कचरे का द डिब्बा। नंबर 10, फ्रेंड्स ये कहावत में गाना तो सुना ही होगा ना, आज फिर तुम पे प्यार आया है। दोस्तों देखो कैसे बेशर्मों की तरह जैसे किसी दूसरे की बीवी से शादी कर रहा हो, समझ कर ये पोपट लाल बनने की सीमा पार करने वाला फ्यूचर नरकी मानुस द ग्रेट गार्लैंड ऑफ रोजेस को सांप समझकर फ्यूचर स्वर्गीय बीवी में फेंक दिया वे, और हंस भी रहा है, उठा भी नहीं रहा, उल्टा बीवी ही कष्ट कर रही है। वाह वाह वाह, इस केले जैसी शक्ल और छजूंदर जैसे दांत वाले का इतना कॉन्फिडेंस। नंबर 11, दोस्तों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो सुना ही होगा, ऑफकोर्स मैंने अभी ही कहा है, लेकिन ये आदमी उसकी परछाई है। शादी जैसे भंडारे में जहाँ लोगों की गिनती करना मुश्किल है, अब वहाँ पे ये भूखे कुंभकर्ण के कोई ना लगने वाले रिश्तेदार खुद का खाना खत्म होने के बाद भेड़ियों की तरह दूसरों में भी हाथ तो ऐसे डाल रहा है जैसे इनके अब्बू की 19वीं शादी है। दोस्तों एक जरूरी सूचना, ऐसी हरकतों की वजह से ही कोरोना, डेंगू, मलेरिया, हवादागिरी जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो शादियों में प्लेट्स पे पूरा फोकस करिए, सतर्क रहिए, सावधान रहें। जय हिंद। नंबर 12, फ्रेंड्स अब ये वाला वीडियो बड़ा गौर करके देखना, वरना आप जीवन के रहस्य मिस कर दोगे। वीडियो प्ले किया जाए, एक बार और अच्छे से देखो। दोस्तों शादी पहाड़ पे हो रही है। पॉइंट 1, मंत्र जाप के टाइम तेज हवा चली और लड़की का नीला दुपट्टा लड़के के सिर में लकड़ी की तरह लग गया। अब इसमें आप सोचेंगे कि ऐसा क्या खास है, बट सुनो और समझो, ऐसी सेम अनहोनी दुर्घटना अटलांटिस में सावित्री के साथ हुई थी, और फिर वो यमराज को अपने पति के प्राण वापस देने पे मजबूर कर दी थी। कुछ समझे, ये लड़का आज का सावित्रा है, यमराज की तो निकलने वाली है बारात। नंबर 13, दोस्तों इसलिए कहता हूँ, अगर आपको भी रहना है मेरी तरह तंदुरुस्त तो रोज पीजिए ये वाला जूस। आफ्टर बैनिंग बन गया विदिंग। ये भाई साहब हंसों के जोड़े से पंगा ले रहे थे और इनका डायमंड नेकलेस चुराने चले थे, जो इन्होंने बरेली के बाजार से ली थी। फिर क्या, मियां बीवी ने जम के कमेली बरेली सारा बाजार याद दिला दिया। और दया, इनका फायर मोड का राज तो कुछ और ही है। असल में ये हंसों के जोड़े के पॉन्ड में रोज रात को केमिकल रिएक्शन की वजह से सोमरस बनता है, लाइफ ऑफ पाई जैसा, जिसको पीने के बाद ये फुल ऑन फायर मोड में आ जाते हैं। बेवड़ाज आर नॉट अलाउड नियर द पॉन्ड। नंबर 14, दोस्तों फिर एक बार नॉक नॉक हुई अब्दुल्ला की लंगूर के रूप में। ये कपल बड़े मजे से अपना पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेट कर रहा है जू में, और एक लंगूरों के नगर के पोपट लाल की नजर इन पे पड़ी और वो इन्हें सलाह मशवरा करने चला आया। लेकिन बेचारा दिल का काफी अच्छा, सच्चा और नेक लंगूर था, चुपचाप आया और हाथ मिलाकर सलाम ठोक कर कपल्स को हार्ट अटैक देकर चला गया। हैट्स ऑफ दिस लंगूर, क्या फटी होगी इनकी बंटाई। नंबर 15, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जमीन पे रहते हुए भी चांद तारे छूने का शौक रखते हैं। बस दोस्तों इसे कहते हैं हाइट कम फाइट ज्यादा। ऐसा तब होता है जब चादर के बाहर पैर फैलाए जाते हैं, बट कोई नहीं, जहाँ चाह वहाँ रहा, किस करूंगा लेकिन अपनी जोरू का सर नीचा नहीं करूंगा। इसीलिए भाई लोगों ने इनके लिए टेबल लाया। अब जिंदगी भर जब जब इसे किस करना होगा तब तब इसकी बीवी ताने मारेगी, टेबल पे चढ़े बिना तो कुछ होना नहीं है तुमसे हैं? बाकी जोक्स अपार्ट, लेकिन क्या मैरिज मूवमेंट है, सो क्यूट। नंबर 16, फ्रेंड्स अब इंद्रदेव भी आपको इशारे करें कि ये मत करो तभी आप वो कार्य करते हो, जैसे कि शादी, उसी समय से आप अपने अंत के करीब आने लगते हो। यकीन नहीं होता ना, वीडियो चालू करो यार। इस वीडियो में मस्त बीच पे शादी हो रही है। वीडियो कितना ज्यादा नॉर्मल है, किसी प्यारी सी क्यूट सी चिकनी सी लड़की की शादी किसी गली के सलीम भाई से हो रही है, लेकिन तभी जोर से बिजली गरजती है और सबकी टाए टाए फिस, और सलीम भाई को उनके सातों जन्म के बाप याद आ जाते हैं, और उन मासूमों के साथ ये प्रैंक करने के बाद इंद्र उर्वशी का डांस देखने चले जाते हैं। नंबर 17, फ्रेंड्स जब पॉइंट नंबर ही 17 है तो खतरे की घंटी तो बजना
मांगती है ना वीडू। लेकिन कोई बेस्ट फ्रेंड अपनी एक्स के साथ ऐसा क्यों करेगा कि उसका वेडिंग केक ही बॉम्ब से उड़ा दे? सिर्फ दो रीजंस की वजह से, या तो वो उसे बॉम्ब बनाकर दिवाली में बेचने का धंधा खोलना है, या तो उसके प्रैक्टिस के लिए, वरना वो एक जमाने के एक्स से बदला लेना चाहता है। और ये एक्स का बदला ही था जब ये महाबॉम्बर ने वेडिंग केक की ही बॉम्बिंग कर दी और फिर इनकी एक्स और इन्होंने शादी छोड़कर पकड़ा पकड़ी खेली। तो दोस्तों ये थे कुछ बेहद फनीएस्ट मैरिज मोमेंट्स पार्ट 2। इनमें से कौन सा मोमेंट है जो आपके किसी फ्रेंड विद बेनिफिट्स ऑफ एनिमी की शादी में करना आप पसंद करोगे, ये कमेंट में जरूर समझाइएगा और लाइक कर देना, वरना आपकी शादी के दिन ही राजू रस्तोगी आपकी करीना कपूर को रणछोड़दास चाचरदास के पास नहीं बल्कि पोपटलाल के पास जाने के लिए मंडप से उड़ा ले जाएगा।